हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। तो आज जो है हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है CSS के प्रिपरेशन के अंदर ChatGPT को जो है किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आपको बताता चलूँ कि जो है मैंने अभी स्पेशल का अटैम्प्ट दिया था, CSS स्पेशल 2023 जो अभी हुआ था, उसके अंदर जो है मैंने CSS के प्रिपरेशन में अपने ChatGPT को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। उससे मेरा टाइम भी बचा था और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसान हो गई थी। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिटेल पांच ऐसे तरीके जिनके अंदर जो है आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के प्रिपरेशन में और अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। सो आइए चलते हैं और एक एक तरीका जो है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट तरीका जो है डिस्कस करते हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है ChatGPT को अपने CSS के प्रिपरेशन में पास्ट पेपर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है पूरा पास्ट पेपर एनालिसिस जितना अभी स्पेशल अटैम्प्ट में किया था सारा ChatGPT को जो है यूज़ करते हुए किया था। तो आप भी उसके लिए जो है पास्ट पेपर एनालिसिस ChatGPT से कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है पास्ट पेपर्स टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए। अब टेक्स्ट फॉर्म में किस तरह से आप उनको लेके आते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। या तो आप जो है PDF डाउनलोड करें, पास्ट पेपर्स जितने भी है किसी भी सब्जेक्ट के सबको मर्ज करें, उसके बाद जो है गूगल पर जाएं, वहाँ पर आप जो है PDF टू वर्ड एक वेबसाइट सर्च करें, वहाँ पर वो वाला PDF डालें, वो आपको जो है उसको वर्ड में कन्वर्ट करके देगा। तो वो वाला जो है वर्ड फॉर्म में जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। सेकंडली आप जो है सिलेबस को भी जो है वर्ड फॉर्म में अपने पास जो है रख लें। उसके बाद आप जो है ChatGPT को ओपन करें और उसको जो है आप बताएं कि आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जो है इस सब्जेक्ट का सिलेबस है और ये पास्ट पेपर्स हैं। इन दोनों को आप ChatGPT को दें और उसको कहें कि अब इसको जो है पास्ट पेपर एनालिसिस मुझे जो है करके दो और बताओ कि इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। तो इसको जो है प्रैक्टिकली भी हम परफॉर्म करते हैं। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पर जो है मैं ऐसे का जो पेपर है उसका जो है एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा। सो आइए चलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग जो है अपना ऑन कर लूँ। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है PDF फॉर्म है। मैंने ChatGPT का जो भी चैट था मेरा उसका जो है मैंने PDF बना लिया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने इसको बताया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS एग्जामिनेशन, उसको ताकि पता हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसको जो है फिर पता था, उसने कहा ठीक है भाई आप भले प्रिपेयर कर रहे हो। फिर मैंने उसको कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पास्ट पेपर एनालिसिस आप जो है इंग्लिश ऐसे के मुझे करके दें। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर ये नीचे जो है सारे पास्ट पेपर इसको दे दिए। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2023 का जो फेबरवरी में रेगुलर अटैम्प्ट हुआ था उस तक जो है पास्ट पेपर्स हैं ऐसे के, ये मैंने इसको दे दिए। तो उसके बाद जो है इसने एनालिसिस करके मुझे जो है यहाँ पर 12 जो है, जी हाँ 12 जो है मुझे इसने एरियाज़ बताए कि भाई ये वाले जो है इनमें से ऐसे आ सकते हैं जिनमें ये फर्स्ट पर जो है ग्लोबलाइजेशन है। अगर आपने जो है अभी स्पेशल अटैम्प्ट वाला जो पेपर देखा था अगर ऐसे का, उसमें आपने देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन पर ऐसे आया था, ठीक है। उसके बाद जो है गुड गवर्नेंस, इस पर भी मतलब कि एक वो जो है इलीट कैप्चर ऑफ पॉलिसी मेकिंग था वो इससे थोड़ा रिलेट करता है, वो वाला टॉपिक भी था स्पेशल अटैम्प्ट के अंदर। जेंडर इक्वलिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी जो है कैसे आया हुआ था। उसके अलावा जो है आपके पास नीचे जो है सोशल मीडिया पर भी एक आया हुआ था, इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया से रिलेटेड था कैसे। तो ये जो है इसने मुझे टॉपिक्स बताए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पेशल अटैम्प्ट के अंदर आए थे। एक चीज़ और यहाँ पर, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इसने बताया है इस पर ऐसे तो नहीं आया, लेकिन ये जो है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर इस पर क्वेश्चन आया था। तो इसने 13 टॉपिक्स मुझे बताए जिनमें से जो है 2-3 जो है स्पेशल अटैम्प्ट कैसे के पेपर टॉपिक्स आए थे ऐसे। तो जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी ये टॉपिक्स बताता है, अगर आपको 10 बता रहा है तो उनमें से 1-2 तो जो है आपके पेपर में आएंगे। तो इस तरह से जो है आप पास्ट पेपर एनालिसिस कर सकते हैं ChatGPT को यूज़ करते हुए। तो अभी जो है सेकंड तरीका हम जो है डिस्कस करते हैं कि सेकंड तरीके के अंदर ये है कि आप जो है टॉपिक्स के आउटलाइंस ChatGPT से बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपको पता नहीं है कि इसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ूँ, तो उसके लिए आप जो है ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं। आप ChatGPT को बताएं कि ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बताओ कि मैं इसके अंदर क्या क्या जो है कवर करूँ। तो वो जो है आपको बता देगा कि ये चीज़ें जो है इसके अंदर कवर करो। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर भी आप जो प्रैक्टिकली देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने इसको बताया कि मैं CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का इसको सिलेबस दिया है और पास्ट पेपर्स दिए, फिर जो है मैंने इसे एनालिसिस करवा के यहाँ पर जो है मैंने इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स जो है इसे ले लिए कि भाई इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कौन से हैं, इसने मुझे बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो रिपीटेड टॉपिक इकोनॉमिक चैलेंजेस है जो इस टॉपिक के, जो है मुझे सब टॉपिक्स बताओ या इसके जो है इसका जो है आउटलाइन मुझे बताओ। तो ये जो है नीचे मुझे इसका आउटलाइन बता रहा है कि इसके अंदर जो है आप ये चीज़ें कवर करें, रिसेंट इकोनॉमिक कंडीशंस इसको कवर करें, बजट को, मेजर सेक्टर्स इसके अंदर भी जो है, फिर फर्दर मोर जो है सब टॉपिक्स भी ये बता रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इससे आउटलाइंस बनवा सकते हैं टॉपिक्स के जो आपको कवर करने हैं, वो भले किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हों। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरे तरीके के अंदर जो है आप
पोटेंशियल क्वेश्चंस टॉपिक्स के ऊपर चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। अभी जो है हम लैपटॉप की स्क्रीन पर भी इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है पहले तो आउटलाइन लिया, उसके बाद मैंने इसको कहा कि टेल मी पॉसिबल क्वेश्चंस, कि मुझे क्वेश्चंस भी बताओ इस टॉपिक से कौन से आ सकते हैं सीएसएस के अंदर। तो इसने जो है नीचे मुझे ये पोटेंशियल क्वेश्चंस के जो है एक हेडलाइन के नीचे बताया है कि भाई ये डिस्कस द रिसेंट इकोनॉमिक कंडीशंस इन पाकिस्तान एंड चैलेंजेस फेस्ड, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा भी इसने मुझे जो है 8 क्वेश्चंस यानी कि मुझे इसने पोटेंशियल क्वेश्चंस बताए हैं। तो इस तरीके से जो है आप पोटेंशियल क्वेश्चंस भी जो है या गेज क्वेश्चंस भी इनसे ले सकते हैं। अभी जो है हम चौथा तरीका डिस्कस करते हैं। चौथे तरीके के अंदर जो है आप चैट जीपीटी से नोट्स भी बनवा सकते हैं। आप जो है चैट जीपीटी पर जाएं, उसको कहेंगे भाई ये टॉपिक है, इसके ऊपर जो है मुझे नोट्स बना के दो, तो आपको जो है नोट्स भी बना के देगा। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वही पाकिस्तान अफेयर्स वाला, उसके अंदर जो मैंने इसको कहा कि भाई डिटेल्ड बुलेट पॉइंट्स नोट्स मुझे दो एनर्जी प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो उसने जो है मुझे ये डिटेल्ड नोट्स दिए हैं इस टॉपिक के ऊपर। चैलेंजेस पहले मतलब मैंने बुलेट पॉइंट कहा है तो जाहिर सी बात है बुलेट पॉइंट्स में दिए, लेकिन जो है आप डिस्क्रिप्टिव भी बनवा सकते हैं। तो इसने जो है ये सारे मुझे नोट्स यहाँ तक नंबर 8 फ्यूचर आउटलुक एंड रिकमेंडेशंस तक जो है पूरे नोट्स बना के दिए हैं। तो आप जो है किसी भी टॉपिक पर जो है चैट जीपीटी से नोट्स बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ख्याल रखें कि वो कोई टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का ना हो, क्योंकि चैट जीपीटी की जो नॉलेज है वो मेरे ख्याल से 2020 तक जो है लिमिटेड है। तो उसके बाद का अगर उसमें एडिशन आया टॉपिक के अंदर तो वो चैट जीपीटी को पता नहीं होगा। तो आप कोशिश करें जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के या ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होंगी उनके नोट्स जो है आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। सो गाइस अभी 5-6 तरीके की बात करते हैं। वो ये है कि आप चैट जीपीटी से अपना एवेल्युएशन या असेसमेंट भी करवा सकते हैं। जी हाँ, वो भले ऐसे का हो या किसी जो है जो भी सब्जेक्ट है उनके जो है क्वेश्चन का हो, वो असेसमेंट जो है चैट जीपीटी आपको करके देगा। उसके लिए लाजमी है कि जो आपने लिखा है अपना जवाब जो है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लैपटॉप में होना चाहिए। अब ये किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए जो है आप जाएं चैट जीपीटी को बताएं कि भाई ये वाला क्वेश्चन है और ये जो है इसके इतने मार्क्स हैं और ये तकरीबन इतने वर्ड्स में होना चाहिए सॉल्व इसका आंसर, और उसके बाद जो आपने जो भी जवाब लिखा है उसका टेक्स्ट फॉर्म के अंदर अपना जो आपके लैपटॉप में है उसको पेस्ट करें और उसको कहें कि भाई ये जो है ये मेरा जवाब है, अभी आप जो है तुम चेक करके बताओ कि क्या मैंने जवाब सही लिखा है और मुझे इसके जो है कितने मार्क्स दोगे, और प्लस में मुझे ये भी बताओ कि कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है और कौन सी चीज़ें मैंने अच्छे से की हैं और कौन सी चीज़ें जो है मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। तो वो जो है पूरे अच्छे तरीके से आपका जो है एवेल्युएशन या असेसमेंट करके जो है आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताएगा। सो गाइस ये थे 5 तरीके जिनके अंदर मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया था आपने स्पेशल अटेम्प्ट के प्रिपरेशन के अंदर। तो इनके अलावा दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, तो आप देखें अगर दूसरे तरीके तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं कि भाई ये तरीके इनके अंदर भी चैट जीपीटी जो है सीएसएस के प्रिपरेशन में यूज़ हो सकता है। सो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही साथ जो वीडियो है उसको भी लाइक करें और मुझे जो है रिकमेंडेशंस भी देखें नेक्स्ट जो है मैं किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ। सो विल मीट यू नेक्स्ट।